नमस्कार, स्वागत है आपका आपके आध्यात्मिक चैनल भरत संजीवनी में। आज हम आपको डिस्टेंस हीलिंग की विधि बताने जा रहे हैं। इस विधि के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे किसी भी शहर में क्यों ना हो, गांव में हो या अन्य किसी देश में हो, उसे दूर से ही हील कर सकते हैं। हीलिंग पर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें भी अवश्य देखना। हीलिंग करते समय आप एक माध्यम बन जाते हैं और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। हीलिंग एनर्जी को आमंत्रित करने के पहले आप चाहे तो इसे संजीवनी शक्ति, ईश्वर की पवित्र ऊर्जा, दिव्य शक्ति, प्राण ऊर्जा या रेकी, किसी भी नाम से आमंत्रित कर सकते हैं। हीलिंग के लिए मन में प्रेम और करुणा का भाव होना जरूरी है। जितना हम प्रेम और करुणा से इस शक्ति को आमंत्रित करते हैं, उतनी ही यह हमारे हाथों से फ्लो होती है। डिस्टेंस हीलिंग के लिए या तो हम जिसको हीलिंग देना है उसका फोटो सामने रखते हैं या फिर हम उसे विजुअलाइज कर आंखों को बंद कर हीलिंग देते हैं। उसका चित्र दिमाग में रखकर उसे हीलिंग दी जाती है। अब हम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर जाकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। नीचे आसन अवश्य बिछाइए। आप चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार सोफे पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। श्वास गहरी लें, फिर अपने गुरु का स्मरण करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर ईश्वर से यह प्रार्थना करें, मैं हीलिंग के लिए आपकी पवित्र शक्ति, संजीवनी शक्ति का आह्वान करता हूँ। मैं ईश्वर की पवित्र ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को आमंत्रित करता हूँ। मैं प्राण ऊर्जा मदर रेकी को इनवाइट करता हूँ कि वह मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो। जैसे ही आप यह प्रार्थना करते हैं, आपके दोनों हाथों की हथेलियों में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और बिल्कुल आपको पता चलता है कि एनर्जी गोल गोल घूम रही है। अब आपको जिसको हीलिंग देना है उसके फोटो को सामने रखकर अपने हाथों से हीलिंग देना है या फिर अपनी आँखों को बंद कर उस व्यक्ति को इमेजिन कर उसे हीलिंग देना है। अब जिस व्यक्ति को हम हीलिंग दे रहे हैं उसका नाम बोलते हुए यह प्रार्थना करें कि मेरे हाथों से जो शक्ति, संजीवनी शक्ति निकल रही है, वह इस व्यक्ति के आभा मंडल को, ऑरा को ब्राइट करें, उसे हील करें। हमें अपने हाथों की पोजीशन को जैसा फोटो में दिख रहा है वैसी रखना है और यह इमेजिन करना है कि वह व्यक्ति हमारे सामने ही बैठा है, जिससे डायरेक्ट उसे हम एनर्जी दे सकें। जिस व्यक्ति को हम हीलिंग देने वाले हैं, वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस तक यह शक्ति पहुंच जाती है। माँ संजीवनी
मदर रेकी आपको स्वस्थ करे, हील करे। अब जिसको हम हीलिंग दे रहे हैं उसे दिव्य प्रकाश गोल्डन लाइट से घिरा हुआ देखें। यह संजीवनी शक्ति जो गोल्डन लाइट के समान है, यह उसके शरीर के चारों ओर फैल गई है। संजीवनी शक्ति उसके सहस्त्रार चक्र से होकर पूरे शरीर में फैलते हुए उसके शरीर को ज्योतिर्मय कर रही है। अब उसका पूरा शरीर हील हो रहा है। इस डिवाइन एनर्जी से वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। यह ऊर्जा उसके मन आत्मा को भी शुद्ध कर रही है। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। इस डिवाइन एनर्जी से वह स्वस्थ हो गया है। यह एनर्जी उसके मन और मस्तिष्क को तरोताजा कर रही है। मेरे दोनों हाथों से निकलने वाली ईश्वर की पवित्र ऊर्जा उसे स्वस्थ कर रही है, प्रसन्न कर रही है। अब वह पहले से और ज्यादा स्वस्थ हो गया है, वह हील हो गया है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले और अपने गुरु और परमेश्वर को हीलिंग के लिए धन्यवाद दे और स्वयं को भी धन्यवाद दे। फिर अपने दोनों हाथों को रब करें, आपस में रगड़ें और हथेलियों को चेहरे से स्पर्श करें। एक बात हमेशा याद रखें, हीलिंग करने के बाद या पहले कभी भी कर्ता भाव ना लाएं और किसी को स्वस्थ करने का कभी भी क्रेडिट ना लें। यह ईश्वर की शक्ति है, आप केवल जरिया हैं, एक माध्यम है। दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।